Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC learning app and fulfill your dreams. Hello everyone. So, today we are here to discuss about a most important topic, that is limit. My name is Madhu Pandey and you are watching MKC YouTube channel. I am Mathematics faculty in MKC. तो बच्चों, आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स. एंड ऑब्वियसली आई नो एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लिमिट्स से बहुत घबराते हैं. तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको लिमिट्स की बहुत सारी ऐसी ऑलमोस्ट 15 टू 16 ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 10 टू 20 सेकेंड. ओके, सो बी विद मी टिल द एंड. ओके, चलो बच्चों, तो बात करते हैं कि लिमिट्स है क्या. ठीक है, व्हाट इज लिमिट. सी, जब आप लिमिट्स को देखते हैं तो सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि ओ माई गॉड, ये किस तरह का चैप्टर है यार, इसमें तो कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड है. अगर मैं एक मेथड सीख लेता हूँ तो फिर अगेन आई हैव टू लर्न अनदर मेथड टू सॉल्व. ठीक है, तो इसको, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो लिमिट्स पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज हेल्पफुल फॉर एवरी एग्जाम. यू ऑल नो कि जो लिमिट्स है, जो कैलकुलस है बेसिकली, वो आपका हर एग्जाम के अंदर एक बहुत अच्छा वेटेज लेता है. और उसके अंदर जो लिमिट्स है दैट इज द बेबी स्टेप ऑफ कैलकुलस, राइट. तो लिमिट के अंदर मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज एनडीए, वेदर इट इज एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी. ओके, वेर एवर यू नीड योर लिमिट्स एज अ सिलेबस पार्ट, तो वहां पर आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करने वाला है. तो लेट्स लुक. ओके, सो आप देख रहे होंगे ये एक बच्चा है, ठीक है, जिसको लिमिट से बहुत डर लगता है. अब इस बच्चे को हमें खुश करना है, ठीक है, लिमिट्स को इस तरह पढ़ना ताकि ये बच्चा खुश हो जाए लास्ट तक लिमिट पढ़ते पढ़ते. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, चलो, लिमिट्स क्या होता है, व्हाट इज लिमिट. लिमिट इज नथिंग बट द नियरनेस, और वी कैन से नियरनेस, और वी कैन से डिस्कशन ऑफ नेबरहुड. मतलब क्या है लिमिट का, मतलब है कि आप जहां पर भी लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं. सबसे पहली बात बच्चों हमें याद रखना है कि जो लिमिट है वो कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं बात करता, वो हमेशा अप्रोक्स नियर वैल्यू के बारे में बात करता है. तो लिमिट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट इज नियरनेस एंड डिस्कशन ऑफ नेबरहुड. मतलब वो आसपास के लोगों की बात करता है, जैसे कि जैसे आपके पड़ोसियों को आप में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सेम उसी तरह से लिमिट्स जो है वो पड़ोसियों से बात करता है, सिर्फ पड़ोसियों की जानकारी देता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है. उससे हमें पता चल जाता है कि जो उसके साथ का जो भी घर होगा वहां पर क्या चल रहा होगा. समझ आ गया इस तरीके से. चलो नेक्स्ट, लिमिट के बारे में अगर मैं देखूं तो समझते हैं कि हमें बच्चों सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैं लिमिट पढ़ने जा रही हूं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ना ही क्यों है लिमिट को, ऐसा क्या हो गया है मैथ्स में इतना कुछ है पढ़ने को, व्हाई द एग्जामिनर आस्क फॉर लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स पढ़ने की क्या जरूरत है. तो हम देखते हैं कि हम कहाँ यूज करते हैं लिमिट्स का. देखो बच्चों, मैंने आपको नियरनेस की बात कही, तो नियरनेस का मतलब समझो सबसे पहले कि जैसे मेरे पास मान लिया ये एक सर्कल है, ठीक है, मैं इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना चाहती हूँ. ऑल्दो वी ऑल नो द एरिया ऑफ सर्कल, राइट, पर मैंने आपको इसका क्या नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको इसका रेडियस नहीं दिया हुआ, तो क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते. तो अब आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको रेडियस नहीं दिया है. ओके, लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग कि चलो बताओ इसका एरिया क्या होगा. तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे जिसका आंसर नियर टू द वैल्यू ऑफ सर्कल आ जाए. जैसे कि अगर मैं ये ट्रायंगल को इसके अंदर रखूं, जिस ट्रायंगल का मान लिया मुझे एरिया पता है, ठीक है, इनका सबका हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें एरिया पता है, ठीक है, हम ऐसी चीजों को ही डाल रहे हैं जिसका एरिया हमें पता है. तो मैं अगर ये सर्कल रखूं तो ये इसका मोस्ट ऑफ द एरिया तो कवर कर रहा है लेकिन कंप्लीट एरिया कवर नहीं कर रहा, तो ये इसके नियर नहीं है, ठीक है, ये इसके आसपास नहीं आ पा रहा, ठीक है. तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया बता दूं तो समहाउ मेरा जो ये है सर्कल, इसका एरिया नहीं आ सकता है ना. अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर डाल दूं तो इससे बेटर है, बेटर देन दिस बट नॉट एग्जैक्ट, ठीक है. अब अगर मैं इसके अंदर पेंटागन डाल दूं, ठीक है, पंचभुज, तो क्या ये एरिया दे रहा है, बेटर देन दिस बट नॉट एग्जैक्ट, ठीक है. ऐसे ही अगर मैं छह षटभुज
ठीक है, ये डाल दूं तो क्या होगा, क्या ये दे रहा है, हेक्सागन अगर मैं डालती हूं तो क्या ये एरिया दे रहा है, बेटर देन ऑल दीज थ्री बट नॉट एग्जैक्ट। सिमिलरली अगर मैं सात वाला डाल दूं, ठीक है, सप्तभुज, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेटर देन ऑल ऑफ दिस बट नॉट कंप्लीट। सिमिलरली अगर मैं आठ साइड का डाल दूं, अष्टभुज डाल दूं, तो क्या होगा, ऑक्टागन, ऑक्टागन अगर मैं डाल दूं तो क्या होता है, तो इन सबसे ज्यादा अच्छा एरिया दे रहा है। सिमिलरली अगर मुझे इसका एरिया पता है तो आई एम नियर टू द एरिया ऑफ सर्कल, राइट, दैट्स वॉट लिमिट्स डू। लिमिट भी सेम यही काम करता है कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं आसपास की जिसका आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका आंसर आपको पता चल जाता है वैल्यूज रख के, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पे आपको आंसर नहीं मिल रहा होता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ देते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे आंसर चाहिए ही नहीं, हम ये देखते हैं कि आसपास क्या आंसर आ रहा है, जो आसपास आंसर आ रहा है वही उसका भी आंसर होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं लिमिट के अंदर, ठीक है। तो जो भी इस एग्जाम्पल के अंदर इसका एरिया होगा, मैं कहूंगी वही एरिया मेरा सर्कल का हो गया, और आई कैन पुट डेकागन ओवर हियर, राइट, दस भुज भी मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, तो एरिया ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पॉलीगन का एरिया है, जो पॉलीगन का एरिया, जितनी ज्यादा मैं साइड बढ़ाती जा रही हूँ उतना अच्छे से वो मेरा एरिया ऑफ सर्कल दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड ले लूँ, मतलब बहुत सारी साइड का पॉलीगन ले लूँ, तो क्या मुझे एरिया मिल जाएगा, ऑब्वियसली मुझे एरिया मिल जाएगा सर्कल का, जिस सर्कल का मुझे एरिया चाहिए, जिसकी मैंने आपको रेडियस नहीं दी है, ठीक है। तो लिमिट एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं कि ये जो हमारा एरिया लिमिट आएगी, दिस लिमिट इज द वैल्यू ऑफ आर फंक्शन, समझ आई ये बात। आगे बात करते हैं बच्चों, सी नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अगर हमारे पास ये तो हमारा डेली लाइफ एग्जांपल हो गया, सिमिलरली वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल व्हेन यू कम ऑन द एमकेसी ऑनलाइन ऐप, ठीक है, वहां पर हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नाउ फॉर द टाइम बीइंग दिस इज एनफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों वो फंक्शन की तरह दिए होते हैं, फंक्शन की फॉर्म में दिए होता है ना, कोई सर्कल, कोई आपको पॉलीगन बना के तो क्वेश्चन दिया नहीं होता है, क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिए होते हैं, हमेशा फंक्शन की फॉर्म में। तो फंक्शन के अंदर हम लिमिट की बात क्यों करते हैं, क्या होता है लिमिट की बात करने से। मान लिया मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट, अब मुझे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करना है कि बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू टू जी एक्स क्या होगा, ठीक है ना, ये मुझे बताना है। तो या तो मैं ये कर सकती हूँ, मुझे x tends to 2 चाहिए, मुझे लिमिट के फॉर्मूले से चाहिए, बहुत सा आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लिमिट डायरेक्ट डालोगे तो आंसर मिल जाएगा, और many questions are those जिसके अंदर आप लिमिट डालते हो तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, यू हैव टू यूज अनदर मैथड टू फाइंड द लिमिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं मुझे किस पे लिमिट चाहिए बच्चों, 2 पे चाहिए, तो मैंने क्या बात किया, हम उसके पड़ोसियों से बात करते हैं, ठीक है, 2 के पड़ोसी कौन होते हैं, 2 का पड़ोसी क्या है, 2.001 है, 2. मतलब कि थोड़ा सा हमने ज़्यादा ले लिया, मैं क्या कर रही हूँ, 2 से हल्का सा ज़्यादा लिया, और थोड़ा ज़्यादा लिया, और थोड़ा ज़्यादा लिया, और थोड़ा ज़्यादा लिया, और मैंने ये वैल्यूज़ रख के देखी इसमें, तो अगर मैं जी एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू रखूँ 2.0001 प्लस 2, तो आंसर विल बी 4+0001, राइट, तो आंसर हो गया 4.0001। सिमिलरली अगर मैं 2.001 रखूं तो आंसर विल बी 4.001। सिमिलरली आप देखो हम पीछे से चलते हैं, हम 2.1 से शुरू करते हैं बच्चों, 2.1 रखा तो वैल्यू आया 4.1। अब जैसे जैसे मैं 2 के करीब आ रही हूँ, 2 के पास आना चाहती हूँ मैं, है ना, नियर, इसके नेबर के पास, ठीक है, तो 2.1 जो है वो 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर हम मैथ्स में देखें तो 2.1 2 से बहुत बड़ा है, ठीक है, छोटा नहीं है ये, बड़ा है, लेकिन 2.01 जो है वो एज कम्पेयर टू 2.1 छोटा है, एंड दिस इज और भी ज़्यादा छोटा, और ये और भी ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसके पास बढ़ रही हूँ, इसको मैं नियरली 2 कह सकती हूँ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4.001। तो अगर मुझे 2 पे वैल्यू नहीं भी पता है तो भी मैं यहाँ से अंदाजा लगा के बोल सकती हूँ कि ठीक है भाई, अगर मेरे को इस पे वैल्यू नहीं पता तो मैं ये कहूँगी कि मेरे यहाँ पर वैल्यू 4.001 आ रही है, तो आंसर विल बी 4, राइट। चलो एक तरफ से हमने ये बात की, हम दूसरी तरफ से भी सेम काम करते हैं, अगर दूसरी तरफ से भी सेम अप्रोच आ रही है, सेम आंसर होने वाला है, तो ही हम बोलेंगे कि आंसर हमारा 4 होएगा, अदरवाइज वी कांट से, राइट। देखो
अब मैं दूसरी साइड से आना चाहती हूँ, धीरे धीरे मैं वैल्यू को बढ़ा रही हूँ. 1.9 इज नॉट इक्वल टू 2 बट नियर टू 2, राइट. 1.9 इज नॉट इक्वल टू 2 बट नियर टू 2. ओके, सिमिलरली 1.99 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2 बट मच नियर टू 2. ठीक है, ऐसे ही ये भी नियर है और ये नियरेस्ट है. आप कहेंगे कि 1.9999 जो है ये 2 के बहुत पास है, और जब मैं ये वैल्यू उसके अंदर रखती हूँ तो व्हाट आई गॉट, आई एम गेटिंग 3.999, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, राइट. तो मुझे यहाँ से भी 4 मिल रहा है और यहाँ से भी 4 मिल रहा है. तो मैं अगर 2 पे वैल्यू नहीं काउंट कर रही हूँ, नहीं कैलकुलेट कर पा रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आंसर विल बी 4 फ्रॉम बोथ साइड, राइट. मेरे को दोनों साइड से 4 मिल रहा है तो मैं कह सकती हूँ आंसर 4 होगा. आप यहाँ से देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 2, राइट. यहाँ पर x प्लस 2 का ग्राफ है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है. सिमिलरली समझ आया वॉट इज लिमिट, लिमिट समझ आया. तो लिमिट क्या करता है बच्चों, लिमिट आपका सिर्फ आपको यही बताएगा. लिमिट के अंदर हम सिंपल यही करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है कि हम पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर निकाल पाएं. हमसे नहीं निकल पाता आंसर, तो हम क्या करते हैं, हम उसके पड़ोसियों से आंसर लेने की कोशिश करते हैं. क्योंकि जिस घर से हमें बात पता नहीं चल रही, तो अब क्या करें, उस घर की बात ना पता करें, बात तो पता करनी पड़ेगी. तो कैसे करेंगे, उसके पड़ोसियों से जानकारी लेंगे. सिमिलरली यहाँ करना पड़ता है, इसके भी पड़ोसियों से जानकारी लेनी पड़ती है कि इसका आंसर क्या आने वाला है. तो इसका आंसर हमें पता चल गया, ये आने वाला है, तो हम बता देंगे कि इसके घर में ये चल रहा है कि जब हम 2 देंगे इसको तो ये 4 देगा हमें. समझ आ गया, समझ आई ये बात. चलो अगला देखो, अब हम एक ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि लिमिट किस तरह अप्रोच करती है. जस्ट सी दिस इज अ ग्राफ, ठीक है. मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से भी चलना चाहती हूँ और मैं यहाँ से भी चलना चाहती हूँ. जो एफ ए पे वैल्यू आ रही है बच्चों, वो ये आ रही है, ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए, राइट. ये एफ ए पे वैल्यू है. अब हम क्या चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से चलूंगी और जब मैं यहाँ से चलूंगी तो क्या मेरी वैल्यू ए हो रही है. तो जब आप लिमिट रखते हो तो वो किस तरह वर्क करती है, जस्ट सी दिस वर्क लाइक दिस. आपने देखा ये किस तरह काम कर रही है, ये इस तरह से काम करती है. तो ये इस तरह से चली गई, समझ आया. तो ये इस तरह से जा रहा है और क्या कर रहा है, उसी वैल्यू पे आके मिल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड लिमिट, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट. तो बच्चों हमें पता है कि लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड, बहुत सारे मेथड हैं. फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, ठीक है. साइन एक्स अपॉन एक्स आपने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है. इस तरह के यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन. ऑल्सो यू नो कि आपके पास सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला है. तो वी हैव लॉट्स ऑफ मैथड, वी हैव 8 to 9 मैथड टू सॉल्व द लिमिट. लेकिन आपको पता है कि जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे जो मास्टर थ्योरम होती है, दैट इज एल एच रूल, ठीक है. एल एच रूल इज द मास्टर थ्योरम. बट क्या एल एच रूल को हम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं? नो, एल एच रूल केवल आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले तरीके पे ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है. अगर आपका सिंपल एक एक्सप्रेशन दिया तो यू कैन नॉट अप्लाई देयर एल एच रूल, राइट. तो जब भी आपका कोई फ्रैक्शन टर्म दी होती है, देन ओनली यू कैन अप्लाई द एल एच रूल. दैट इज 0/0 की फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो, देन ओनली यू कैन से कि ओके आई एम गोइंग टू अप्लाई एल एच रूल. तो बच्चों अब हम आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ सकता है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो उससे पहले बच्चों, अगर हमें अपनी मंजिल तय करनी है, अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो सिर्फ रास्ता जरूरी नहीं है, हमें सही रास्ता देखना है, ठीक है. अगर आप सही रास्ते से चल रहे हैं तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं. इसी तरह से अगर आपको हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यूनिफॉर्म चाहिए. और जो हमारा मेन फोकस है वो किसकी तरफ है, आर मेन फोकस इज टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म. सो वी वॉन्ट अ, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पाथ चाहिए, हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ से हमारी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो सके. फॉर दैट वी आर हेयर फॉर यू विद द MKC लर्निंग ऐप, इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर द डिफेंस एग्जाम. यहाँ पर बच्चों आपको बहुत सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हमारे पास, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हैं. दे आर एक्सपर्ट इन दियर ओन सब्जेक्ट्स, ठीक है. एंड ऑल्सो यू हैव द लाइव क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं, जिस तरह से आपका क्लासरूम के अंदर स्टडी होती है, सिमिलरली आपकी यहाँ पर भी स्टडी होती है, जिसको हम ऑनलाइन क्लासरूम कहते हैं, ठीक है.
और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप क्लास ले रहे हैं एंड फॉर सम रीजन आपका जो है नेट खत्म हो जाता है, या फिर ये हो सकता है कि आपका मोबाइल बंद हो जाता है, कुछ भी इशू आ सकता है, टेक्निकल तो कुछ भी इशू आ सकता है, राइट? तो फॉर दैट ऐसा नहीं है कि हमने लाइव क्लास चलाई और उसको जब तक आपकी क्लास चल रही है सिर्फ तभी तक चलेगी, उसके बाद आप देख नहीं सकते. यू कैन, हम उसका एक्सेस आपको रात को 12 बजे तक देते हैं ताकि आपके पास जब भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाए यू कैन सी द वीडियो अगेन. तो इसके लिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर वाला सेक्शन भी दिया हुआ है आपको, जहाँ से आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं. साथ ही साथ वहाँ पर ऐसे लेक्चर्स भी हैं जैसे कि आपको कोई क्लास, आप कोई चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं एंड यू आर स्टक इन सम कॉन्सेप्ट, तो यू वॉन्ट कि ओके टीचर से मैं ये चीज़ समझ लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं. वहाँ पर आपको सारी वीडियो अवेलेबल है हर चैप्टर की. साथ ही साथ अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, फिर भी आपको कुछ इशू आ जाता है, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन डाउट काउंटर है जहाँ आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं कि यस मैम, यस सर, वी हैव दिस डाउट, काइंडली सॉल्व इट, एंड आपको वो जो डाउट का सोल्यूशन है वो तुरंत मिलता है. उसके अलावा वी आर गिविंग यू द नोट्स, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स. उसके बाद आपका, हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हमने पढ़ भी लिया, हमने यहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी द मेन थिंग इज दैट कि आपकी स्पीड मैच कर रही है एग्जाम के साथ या नहीं. उसके लिए आपके पास ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी दिए जाते हैं. सिमिलरली जैसे क्लास खत्म होती है आपको हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी मिलता है यहाँ. तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर डिफेंस स्टडीज. सो डू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड अपना एम जो है उसको फोकस करो उसकी तरफ एंड आगे बढ़ो. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. उससे पहले वी हैव टू नो सम कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. सी लिमिट्स के अंदर वी ऑल नो कि अगर मैं लिमिट्स की बात कर रही हूँ तो लिमिट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो अभी हमने बात करी कि लिमिट्स का मतलब क्या है. सी लिमिट मीन्स कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसकी मैंने कुछ लिमिट दी है कि मान लिया x tends to a है उस फंक्शन की लिमिट. तो मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ से भी चलना शुरू करना पड़ेगा और यहाँ से भी चलना शुरू करना पड़ेगा और फिर मैं देखूंगी कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है दोनों तरफ से. अगर दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रही है तो आई कैन से कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज आई कैन से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. इज इट क्लियर? ओके, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है. अब हमें करना क्या है इसके अंदर बच्चों, यहां पर आपकी जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यू कैन से कि लिमिट ओके एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव should be equal to limit x tends to a positive fx. What it means? A negative, a positive का क्या मतलब है आप ध्यान से समझो. A negative and a positive का मतलब है कि जैसे मैंने आपको पिछले examples में बताया कि मेरे पास 2 था, मुझे 2 तक पहुंचना है तो मैंने कहाँ से शुरू किया, 1.9 से शुरू किया एंड सिमिलरली आई हैव एडेड समथिंग 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 एंड आई रीच टिल 2, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ए नेगेटिव का मतलब कि मुझे जहाँ जिस वैल्यू पे पहुँचना है, मुझे 2 पे पहुँचना है तो 2 से कम इज 1.99, तो कैसे आ रहा है, कुछ वैल्यू 2 में से कुछ माइनस कर दिया तो वो वैल्यूज आ जाएंगी. तो हम इसको ये भी लिखते हैं बच्चों कि ये h टेंड्स टू 0 है, मान लिया फंक्शन 0 को जा रहा है तो हम इसको लिखते हैं कि a माइनस h, x की जगह हम क्या रखते हैं a माइनस h. सिमिलरली आप यहाँ पर अगर देखें तो a पॉजिटिव मतलब 2 की तरफ जाना है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो हमने क्या किया 2.0001 ले लिया, 2.001 ले लिया या 2.1 ले लिया, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं a पॉजिटिव, ठीक है. तो आप इसको फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओके हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये आपका फंक्शन a प्लस h होता है. तो कहने का क्या मतलब है, इस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है उसके बाद हम एक और चीज चेक करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं तो मान लिया ये किसी वैल्यू L के बराबर आ रही हैं तो ये जो L होगा यही इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा. समझ आ गया, ये हमारा लिमिट है, ठीक है.
अब आपको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा हेक्टिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसको किस तरह से करना है। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इससे पहले मैं जो आज आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, ठीक है, बट आज हमारी जो ट्रिक्स हैं वो कुछ तरह के क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द फंक्शन, जहाँ पर भी मैं फंक्शन यूज करने वाली हूँ एफ एक्स या जी एक्स आई एम सेइंग, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो मैं आप लिख रही हूँ। आई एम डिफाइनिंग एस is a set of s is a set of x sin x tan x sin inverse x tan inverse x sin hx sin inverse hx tan inverse hx tan hx, ठीक है। जहां पर भी आपका इनमें से कोई भी फंक्शन आ जाता है, उन सभी के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूं। इनमें से अगर कोई सा भी फंक्शन आपको दिख जाता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द ट्रिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो, so this is the question number first. We all familiar with this question, right? We all know कि limit extends to 0, sin 4x upon tan 3x दिया हुआ है। तो we have one thing कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आपका limit extends to 0, sin x upon x जो होता है that is equal to 1, and similarly we all know कि limit extends to 0, tan x upon x भी आपका कितना होता है, 1 होता है। वी ऑल नो दिस थिंग, राइट। इस तरीके से हम करेंगे, हम इसको sin x upon x बनाएंगे, देन tan x upon x बनाएंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर। बट हमें इतना कुछ नहीं करना है। हम ये मानते हैं कि मेरे पास मान लिया एक फंक्शन fx दिया हुआ है जो कि s से बिलोंग करता है। s आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, यू मस्ट नो, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें कि s का मतलब मैं क्या है। यहाँ पर एफ एक्स जो है वो s से बिलोंग करता है, जी एक्स भी आपका s से ही बिलोंग करता है। तो आई हैव वन कॉन्सेप्ट, दैट इज अगर आपका दिया हुआ है कहीं पर भी लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ए एक्स अपॉन जी बी एक्स, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली a अपॉन b लिखिए, ठीक है, नो नीड टू थिंक, आप इसको डायरेक्टली a अपॉन b लिख दीजिए। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स डी एक्स कुछ भी दिया हो सकता है। किस में से दिया हो सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, tan x, ठीक है, tan ax tan x दिया हो सकता है, sin x दिया होता है, sin inverse x दिया हो सकता है, x दिया हो सकता है, x square दिया हो सकता है, इस तरह से कुछ भी दिया हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ए एक्स अपॉन बी एक्स आप अगर दिया हुआ है तो आप a अपॉन b को आंसर कर देंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस इज साइन 4x अपॉन tan 3x, तो आंसर इज दिस इज a एंड दिस इज b, तो आंसर वुड बी डायरेक्टली 4/3। आई नीड नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, आई कैन डायरेक्टली सी द आंसर नंबर c इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ओके ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the second question. Limit extends to 0 sin inverse 4x minus sin inverse 3x upon tan inverse 5x minus tan inverse 8x. Okay. तो अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों अगर आप देखो तो आपका वो सेम फॉर्मूला तो नहीं लग सकता है ना। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सेकेंड ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, उस तरह के यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। चलो अभी हम सेकेंड फॉर्मूला करते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड ट्रिक इज व्हाट, लेट्स डिस्कस सेकेंड ट्रिक, कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ भी साइन टेन का फंक्शन दिया हुआ है आपको, कहीं पे भी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आपका फंक्शन फर्स्ट दिया है जो आपका यहाँ पर ax प्लस माइनस
फंक्शन टू दिया हुआ है जो कि आपका बी एक्स है, इसके अंदर कुछ भी डिवाइड में फंक्शन जी वन जिसके अंदर आपका सी एक्स है एंड द अनदर फंक्शन दैट इज जी टू इसके अंदर डी एक्स है। कहने का क्या मतलब, आपके पास कोई से भी चार फंक्शन दिए हुए हैं इस तरह से प्लस माइनस में, ओके तो आप क्या कर सकते हो, कोई से भी चार फंक्शन, जैसे यहाँ पे चार फंक्शन दिए हैं देखो, साइन इनवर्स 4x, साइन इनवर्स 3x, टेन इनवर्स 5x, टेन इनवर्स 8x, वी हैव फोर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, सिमिलर फंक्शन भी हो सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिफरेंट भी है तो भी सिमिलर है तो भी ठीक है, x की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी हुई है तो भी आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, किसके इक्वल होता है, द आंसर वुड बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी अपॉन सी प्लस माइनस डी। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला, अगर यहाँ पे प्लस है तो यूज प्लस, अगर माइनस है तो यूज माइनस, ठीक है। तो अब मैं अगर इस फॉर्मूले से इसको निकालने की कोशिश करूँ तो व्हाट वुड बी द आंसर, टेल मी, आंसर वुड बी 4 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 8, तो आई कैन से माई आंसर वुड बी 1 अपॉन माइनस 3 डायरेक्टली, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। सो दिस इज माई आंसर, आई कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस आंसर बाई यूजिंग दिस मैथड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर 10 इनवर्स भी लिख दूँ, यहाँ पर 10 इनवर्स 4x होता तो क्या आंसर चेंज होने वाला था, बिल्कुल नहीं, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही रहता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे को इस तरह के चार फंक्शन दिए हैं तो जो मेरा आंसर डिपेंड करता है वो इन कॉन्स्टेंट्स पर डिपेंड करता है, राइट, इन कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पर मेरा आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फंक्शन मेरे पास यहाँ जो भी दिया हुआ है एस में बिलोंग करता है, दीज फंक्शन, दीज ऑल फंक्शन जो एफ वन है, ठीक है, एफ टू, जी वन, जी टू, ये सभी फंक्शन जो है एस से बिलोंग करते हैं, जो मैंने अभी आपको सीरीज लिखवाई थी उससे ही बिलोंग करते हैं ये सारे फंक्शन। तो उनमें से अगर कोई भी फंक्शन आपका यहाँ आ जाता है, यू कैन डायरेक्टली से कि आंसर वुड बी दिस, ओके, क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस 3x, तो आप कहोगे मैम आपने साइन के लिए फॉर्मूला बताया, मुझे टेन के लिए बताया, वॉट अबाउट कॉस, कॉस के साथ ऐसा क्या हो गया, कॉस के लिए क्यों नहीं कोई फॉर्मूला, तो देखो कॉस के लिए भी देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस 3x माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इसके अंदर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए भी आई हैव ट्रिक, आई विल गिव यू द ट्रिक, वॉट इज द ट्रिक, सी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का कहीं भी फॉर्मेट दिया हुआ है आपको तो योर आंसर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस इज योर आंसर। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ एंड यू कैन फाइंड द आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू वुड बी योर आंसर। नाउ सी हम कैसे करेंगे इसको, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू इज 3, बी की वैल्यू इज 4, ठीक है, तो b की जगह मैंने 4 रख दिया, a की जगह मैंने 3 रख दिया, तो आंसर वुड बी 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो आंसर वुड बी 7 बाई 2, तो ऑप्शन नंबर c विल बी करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर c विल बी करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर वेरी क्विकली, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड से भी ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक है, और अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू गो बाय द मैथड तो यू कैन यूज द LH रूल, यू कैन यूज द एक्सपांशन मैथड, यू कैन ऑल्सो यूज द फैक्टराइजेशन मैथड, और you can use the trigonometric function method also, from those method you can solve the question but it would take time, to hame uske andar nahi jana hai, hame yahan par seedha trick seekhni hai and we can solve the question within 5 seconds, okay, let's move to the next question, this is the next question, limit x tends to 0 1 minus cos 16x upon x square, dekho bachcho is tarah ka jo question hai ye question aapka previous wale se hi match karta hai, agar aap dhyan se dekho to मैं इस क्वेश्चन को ये भी लिख सकती थी कि ये आपका cos 0 x माइनस cos 16 x अपॉन में x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या तो आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है कि आप इसको ये समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप पीछे वाला फॉर्मूला ही लगाएं एंड यू कैन फाइंड द आंसर, अदरवाइज यू कैन यू हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज इफ इट इज गिवन की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली से कि ए स्क्वायर अपॉन में 2 विल बी द आंसर, ए स्क्वायर अपॉन में 2 विल बी द आंसर, तो ए क्या है आपका यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए वुड बी
16, राइट? तो a स्क्वायर अपॉन 2 वुड बी 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 2, एंड आई कैन से कि आंसर विल बी 128, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. ओके, सो बच्चों अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि हमारे पास हमने चीजें सीख ली, ठीक है, हमें चीजें आती भी हैं, हम करना भी जानते हैं, पर क्या किसी भी चीज की प्रैक्टिस बिना टेस्ट के हो सकती है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप किसी भी एग्जाम की डिफेंस में या किसी भी एग्जाम की बात करो आप अपने, उसकी प्रैक्टिस आप बिना टेस्ट के नहीं कर सकते. तो विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट मेक टेक अ प्रैक्टिस, ठीक है, टू योर लेवल. तो इसके लिए यू नीड अ प्रैक्टिस अप्रोच. सो हेयर वी आर गिविंग यू द मोस्ट कन्वीनियंट वे, दैट इज एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप, ठीक है, जो कि आपका डिफेंस एग्जाम का फियर खत्म करने के लिए है. आपको जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइम लिमिट के अंदर पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर किए गए हैं आपके लिए, ठीक है. एंड इट इज नॉट कॉस्टिंग मच, कॉस्टिंग 199 rupees ओनली. एंड इन दिस वी हैव इंक्लूडेड 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 5 मॉक टेस्ट. फॉर दिस यू कैन डाउनलोड द एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, एंड वहां पर आप रजिस्टर करके डायरेक्टली आप यहां से 199 का रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एंड ऐसी वैसी प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब भी हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है तो हमें सही रास्ते की ज़रूरत होती है. किसी भी रास्ते पर पहुंच चल के आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते. तो उसी तरीके से आपको अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो यू नीड अ टेस्ट जो कि बिल्कुल आपके डिफेंस एग्जाम जैसा हो, और वो टेस्ट आपको यहाँ मिलता है. तो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड मेक द प्रैक्टिस. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x एंड tan 5x. इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो देन व्हाट वुड आई डू? यहाँ पर मेरे को cos दिया हुआ है, नीचे भी cos, यहाँ भी cos है या sin या tan, इस तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करें? इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगने वाला है ध्यान से देखना, क्या तरीका लगा सकते हैं इसके अंदर. इसके लिए भी वी हैव शॉर्टकट. आई एम नॉट गोइंग बाय द मेथड, बिकॉज मेथड तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, मेथड से यू ऑल आर अवेयर. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर मैं ये क्वेश्चन मेथड से करूंगी तो ये क्वेश्चन आपके 1 से 2 मिनट लेने वाले हैं, और 1 से 2 मिनट का टाइम वी डोंट हैव इन एयर फोर्स, इन नेवी, इन ICG, इवन इन NDA वी डोंट हैव टाइम फॉर 1 to 2 मिनट. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द, वी नीड नॉट टू डू द हार्ड वर्क, वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क ओनली. ओके, चलो cos 2x माइनस cos, इस तरह का अगर मेरे को कोई दिया हुआ है तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन में fx into gx. अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो इस तरह से दिया हो सकता है fcx, यहाँ पर नॉट gx ओनली, यहाँ पर आपका x के साथ कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो कुछ भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पर भी आपको cos ax माइनस cos bx दिया. अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तक वी ऑल नो कि मैं अगर fx gx की बात कर रही हूँ तो fx gx मस्ट बिलोंग टू s ओनली, ठीक है. तो इसके लिए what is the formula? The formula is b square minus a square upon 2cd. This is the formula. You can use this formula and find the answer directly. See how can I find the answer within the 5 second. B is what? B is 4. So 4 ka square is 16 minus 4 divided by 2 into 3 into 5. So I can say this is equal to what? 12 upon me 6 into 5. So I can write 2 upon 5 is my answer. So option number D will be correct. Right? Option number D yahan se mera correct ho jata hai. तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला कि मैं अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई कैन यूज दिस मेथड. यहाँ पर आपका साइन दिया हो, साइन इनवर्स दिया हो, टेन दिया हो, कुछ भी दिया हो यहाँ पर आपका, डजेंट मैटर, यू कैन यूज दिस मेथड एंड डायरेक्टली फाइंड द आंसर. ओके, सो दीज आर, आई हैव डिस्कस्ड 5 ट्रिक्स विद यू इन लिमिट्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर ट्रिक्स ऑल्सो. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
tan square 4x minus sin square 4x upon sin 4x. This is my next question and I want to solve this question. अगर इस तरह का कोई question आता है तो how would you solve this? इसके अंदर देखो, अब तक हमने जो बात की है इसके अंदर इस तरह का अगर कोई question आता है, इस तरह का क्या मतलब है? अब इस तरह का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना. इस तरह का मतलब है कि the format is कि limit x tends to 0, ठीक है, tan raised to power n ax minus sin raised to power n ax upon में function raised to power what n plus 2, function raised to power n plus 2. अगर इस तरह का कोई भी format दिया है, tan raised to power n ax minus sin raised to power n ax divide by function raised to power n plus 2, तो मैं इसके अंदर क्या method लगा सकती हूँ? I have a very shortcut method, that is n a raised to power n plus 2 divide by 2. I can use this formula and directly find the answer. I need not to expand this. Okay? या तो मैंने बच्चों 2 यूज किया है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 ओनली. अगर आपका यहाँ पे 4, 10, 50 कुछ भी दिया हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व बाय यूजिंग दिस मेथड. ओके, कैसे? देखो कैसे कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. n की जगह अगर मैं वैल्यू 2 रख दूं, n इज 2 एंड a इज ऑब्वियसली वॉट 4. 4 की पावर बच्चों कितनी है यहाँ से, n इज 2 प्लस 2 डिवाइड में 2, आई कैन कैंसिल. तो 4 रेज टू पावर 4 इज वॉट, 256, ठीक है. तो आंसर वुड बी बी. बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गेटिंग इट और नॉट. सो आई कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस मेथड. सो सिंपल. ओके, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन यूज इन योर क्वेश्चंस. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is limit x tends to 0 and I'm sure आपने इस तरह के बहुत सारे question exam में practice करते time देखे होंगे. and हम इस तरह के question किस तरह solve करते हैं, ध्यान से देखना. यहाँ पर हमारे पास under root 2 plus x की cube minus में under root 2 upon x cube है, ठीक है. तो हमें यहाँ पर क्या solve करना है बच्चों, 2 minus अगर हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है तो वी हैव अनदर मेथड, दैट इज यू वांट टू नो द ट्रिक्स, राइट? यू वांट टू नो द ट्रिक्स, तो यू आर वेटिंग फॉर द ट्रिक्स. तो सी हाउ वी कैन सॉल्व द दिस क्वेश्चन. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, अंडर रूट ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस अंडर रूट ए अपॉन में fx raised to power n. This fx again belongs to s only, right? See, अगर इस तरह का कोई format दिया है कि under root a plus x raised to power n minus under root a upon में fx raised to power n, ऐसा कोई भी format दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जो formula use करने वाले हैं that is very easy and this is equal to 1 upon 2 under root a. That means कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ना वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना वो आपकी वैल्यूज आपके इससे पावर पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. इट जस्ट डिपेंड ऑन द वैल्यू, दैट इज दिस. इस वैल्यू पे ही आंसर डिपेंड करेगा ऑलवेज. तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर विल बी 1/2√2. आई कैन डायरेक्टली से द आंसर कि आंसर विल बी 1/2√2. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you are enjoying the video. Okay, so we have lots of questions like this. We are going and we will solve all the questions. Samajh aaya yahan tak? Chalo, let's move to the next question. So the next question is, if limit x tends to 0 under root x square plus 4x plus 4 minus 2. Agar is tarah ka koi equation diya hai toh what we will do? Is tarah ke equation mein again, this is very easy formula. एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू डायरेक्टली. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है. इस तरह के क्वेश्चन में वॉट वी नीड टू डू इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है माइनस में
माइनस में आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में यू हैव समथिंग, यू हैव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारा आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, दैट इज, मैं यहाँ पर क्या रखूँ, यहाँ पर कुछ भी होगा, दैट इज सी, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस में सी, ठीक है, ये आपका है. अब मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ बच्चों, अगर इस तरह का कुछ भी दिया हुआ है तो आंसर वुड बी ए बाय टू ओनली, ठीक है. यहाँ पर आंसर क्या हो जाने वाला है आपका, ए बाय टू हो जाएगा. तो अब मैं अगर इसे इस फॉर्मेट से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे बी और सी से कोई लेना देना है नहीं. मुझे किससे लेना देना है, मुझे लेना देना है सिर्फ ए बाय टू से, ठीक है ना, ए से लेना देना है. तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए वुड बी, ए इज वॉट, फोर, तो आंसर वुड बी ए बाय टू. तो आई कैन डायरेक्टली से फोर बाय टू है, आंसर वुड बी टू, ठीक है. तो टू इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, समझ आ गया ये क्वेश्चन. तो इस तरह से वी कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है. एंड बच्चों ध्यान से समझो, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, इतनी सारी ट्रिक्स बताई, आठ क्वेश्चन कराए एंड आठ ट्रिक्स बताई हैं. नाउ यू आर, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम यू आर सॉल्विंग ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ट्रिक, ठीक है, हर ट्रिक से आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन ओनली. तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. अब आपके पास इस तरह के और भी तो क्वेश्चन होने चाहिए ना, ऑब्वियसली, तभी तो यू कैन मेक द प्रैक्टिस. एक क्वेश्चन से कैसे प्रैक्टिस होगी, एक क्वेश्चन से तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, तो एक क्वेश्चन से ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं हो सकती. सो फॉर दैट यू नीड अ बुक एंड एमकेसी इज गिविंग यू अ बुक, दैट इज क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स विद एमकेसी पब्लिकेशन बुक. फॉर दिस वी आर गिविंग यू द डिफरेंट बुक्स, दैट इज, दिस इज द मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, फॉर एनडीए एंड एनए. सिमिलरली वी हैव द बुक्स फॉर आईसीजी, फॉर एयरफोर्स, फॉर नेवी ऑल्सो, ठीक है. तो हमारे पास हर तरह की बुक्स अवेलेबल है, हर एग्जाम के लिए, हर सब्जेक्ट की, एमकेसी का खुद के पब्लिकेशन से बुक्स हैं. तो इफ़ यू वॉन्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन और यू वॉन्ट द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन परचेज दिस बुक बाय यूजिंग द एमकेसी पब्लिकेशन बुक स्टोर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑर्डर द बुक, ट्रैक योर ऑर्डर, मेक द पेमेंट एंड द बुक विल डिलीवर यू, ठीक है. तो अगर बुक आपको डिलीवर हो जाती है एट दैट टाइम, यू कैन यूज योर बुक टू मेक द प्रैक्टिस. इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे, तो आप इजिली वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, टू रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एक्स अपॉन टू रेज टू पावर टू अपॉन एक्स. ये क्वेश्चन है. अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि मैम दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, राइट. एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला जिस बच्चों को पता है वो बोलेगा, जिसको नहीं पता ऑब्वियसली वी विल डिस्कस. ओके, तो यहाँ पर हम वो मेथड नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स बताने आई हूँ, ठीक है. तो मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की भी ट्रिक बताऊंगी, एंड वॉट इज द ट्रिक सी. चलो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इन द सेंस, क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, आई मस्ट हैव द क्वेश्चन ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ऐसे करके मान लिया ए एन एक्स तक गया हुआ है ये, ठीक है ना, और डिवाइड में एन है, मतलब ऊपर जितनी भी टर्म है, दो टर्म है तो डिवाइड में टू है, तीन टर्म है तो डिवाइड में थ्री है, चार टर्म है तो डिवाइड में फोर है, ठीक है. एंड ऊपर जो आपका दिया हुआ है के अपॉन एक्स दिया हुआ है, ठीक है जी, ये दिया हुआ है. अगर इस तरह का आपको फॉर्मेट फॉलो हो रहा है तो व्हाट वुड बी द आंसर, जस्ट सी हेयर, द आंसर वुड बी, आपको जितने भी ऊपर कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं ए वन ए टू से लेके ए एन तक, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड देन द पावर के अपॉन एन कर दो. पावर वुड बी के अपॉन एन. बाई यूजिंग दिस मैथड यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू ऑल नो कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें टू रेस टू ए रेस टू पावर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो एक तो याद करना ही थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है बच्चों के लिए ऑब्वियसली, और जब हम लगाते हैं तो लॉग लॉग की टर्म उसको कैंसिल करना एंड देन यहाँ तक पहुँचना इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो चलो करते हैं इसको, किस तरह करेंगे. अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो ए वन इज टू एंड ए टू इज थ्री, राइट. तो आई कैन राइट टू इन टू थ्री रेस टू पावर k की जगह कितना है बच्चों, k की जगह अगर आप देखो तो 2 है और n की जगह अगेन 2, तो दिस इज 6 रेस टू पावर 1 एंड आंसर वुड बी 6, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है, समझ आ गया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अंडर रूट 8 प्लस एक्स क्यूब, ये हमारा अंडर रूट नहीं है क्यूब रूट है, माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, दिस इज थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हमें करना क्या है, ध्यान से समझो, यहां पर हमें व्हाट वी हैव टू डू, सी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको लिमिट, सबसे पहले फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए, राइट डाउन दीज ऑल फॉर्मेट्स जिसकी मैंने बात की है, यहां से ऑब्वियसली क्वेश्चन आपका आता ही आता है, जितने फॉर्मेट मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैंने फॉर्मेट ही वही उठाए हैं और ट्रिक्स ही उन्हीं फॉर्मेट की बनाई है जिन फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट योर टाइम, सो दैट आई हैव ओनली इंक्लूडेड दोज फॉर्मेट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखो क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर आपका a प्लस एक्स रेज टू पावर n की पावर अगर 1 अपॉन m दिया हुआ है, ठीक है, या आप इसको इस तरह लिखें तो दैट वुड बी बेटर, कि ये आपका इस तरीके से m दिया हुआ है, यहाँ पर m कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 दिया है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में अंडर रूट, अगेन यहाँ पर आपको m दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज m, m दिया हुआ है, यहाँ पर अगेन आपको a प्लस a माइनस x रेज टू पावर n, बहुत अच्छा हो गया, चलो देखो x रेज टू पावर n अपॉन में x रेज टू पावर n, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है m अंडर रूट में m a प्लस x रेज टू पावर n माइनस अंडर रूट में a माइनस x रेज टू पावर m, ठीक है, और x रेज टू पावर n, ऐसा अगर कहीं भी फॉर्मेट दिखता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एंड दैट इज यू आर वेटिंग फॉर द आंसर c, 2 अपॉन में m a रेज टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन m, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एंड आई कैन फाइंड द आंसर, सी हाउ, देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, 2 अपॉन में m की जगह हम कितना रख सकते हैं बच्चों, m इज व्हाट, m इज 3, राइट, m इज 3 एंड a की जगह आई हैव 8, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि दिस इज 2 अपॉन 3 इंटू 8 की पावर 2 बाय 3 और आई कैन राइट दिस ओवर हेयर, राइट, आई कैन राइट दिस हेयर कि ये आपका कितना है 2 अपॉन 3 इंटू 8 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 और आप इसको और क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 8 की पावर 2 बाय 3 इज 2 रेज टू पावर 2 एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन से कि आंसर विल बी 1 अपॉन 6 क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 इंटू 2 इज 6 तो आंसर वुड बी 1 अपॉन 6 ओनली, ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर, इजंट इट इजी, इट इज टू इजी, ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन आई एम डैम श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चन से तो जरूर अवेयर होंगे कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके पॉलीनोमियल क्वेश्चन होते हैं और पॉलीनोमियल क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या करना होता है, आपके 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, ध्यान से सुनना कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपका न्यूमरेटर की डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, मैं n को डिनोट कर रही हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड देन आई एम डिनोटिंग d कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है ये, ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है ये, तो मेरे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं, एक n ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो सकती है, जो कि आप यहाँ देखें डिग्री का मतलब समझ आता है, वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, x मेरा वेरिएबल है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है 5 और यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो पावर इज 5 एंड डिनोमिनेटर में देखूँ तो पावर इज 2, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, जब भी ऐसा केस बनेगा तो आपको बिना सोचे समझे आंसर इन्फिनिटी कर देना है, ठीक है, बिना सोचे समझे आंसर विल बी इन्फिनिटी ओनली, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी आती है तो हमेशा आंसर आपका इन्फिनिटी होगा, एंड द सेकेंड केस इज अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी आ जाती है तो आंसर 0 लिख दो, और अगर ये केस बन जाता है कि दोनों की डिग्री सेम हो जाए, दोनों की डिग्री सेम हो जाए तो क्या करें, तो फिर
कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो ऊपर लिख दो और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो अब हमें यही तीन फॉर्मूले यूज करने हैं एंड वी हैव थ्री ट्रिक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो फर्स्ट ट्रिक यू कैन यूज हेयर, यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर की डिग्री इज 5 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इज 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आई कैन से व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी, मतलब इन्फिनिटी इज द आंसर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंड्स, अच्छा यू हैव टू नो कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर जो लिमिट है बच्चों, अब तक जो हम लिमिट पढ़ते आ रहे हैं दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो के लिए फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं हमने वो सारे एक्सटेंड्स टू जीरो के लिए पढ़े हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर जीरो है तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर, आप जीरो जीरो रख दे तो 1/2 आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर इन्फिनिटी है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है वो ये है, समझ आ गया। चलो अगला, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन में एक्स फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अच्छा न्यूमरेटर की डिग्री इज 2 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इज 5, तो 2 इज लेस देन 5 मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आंसर वुड बी 0, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ इफ यू सी हियर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ पर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, राइट। तो न्यूमरेटर इज ऑल्सो 2 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इज ऑल्सो 2, तो न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला है। वॉट इज द फॉर्मूला, कि जो न्यूमरेटर की हाइएस्ट डिग्री है उसका कोफिशियंट एंड जो डिनोमिनेटर की हाइएस्ट डिग्री है उसका कोफिशियंट, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक, दैट इज द क्वेश्चंस लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अंडर रूट 1+3x माइनस अंडर रूट 1-3x, ठीक है, अपॉन में साइन x, ये दिया हुआ है हमें, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है हमें ये क्वेश्चन, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझो। इसके लिए भी वी हैव अ ट्रिक, सी दिस इज नॉट द ट्रिक फॉर ओनली दिस क्वेश्चन, ये आपकी जो मैं आप ट्रिक बताने जा रही हूँ, ये ट्रिक आपकी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है जहाँ भी आपको ये फॉर्मेट दिखता है। जरूरी नहीं है कि आपके पूरे क्वेश्चन में ये अकेली ट्रिक अप्लाई हो रही हो सकता है 2 से 3 ट्रिक्स अप्लाई एक साथ हो रही हो, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द ट्रिक्स। चलो तो ट्रिक क्या है उसकी बात करते हैं। 1+-nx रेज टू पावर, अगर इस तरह का हमें कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, दिस इज एक्स रेज टू पावर एन, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आई कैन राइट 1+-nx ओनली, मैं इसको सिर्फ ये लिख सकती हूँ अगर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो में दिया हुआ है, ठीक है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1+x रेज टू पावर एन दिया हुआ है, तो मैं इसको 1+-nx लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं वहां पर देखती हूँ वो क्या है, उसको देखो, वो है 1+3x रेज टू पावर 1/2, है ना, ये हमारा यही तो है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये 1-3x रेज टू पावर 1/2 है, तो क्या ये इससे मैच नहीं हो रहा, ये तो इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1+, क्योंकि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, nx, n की जगह कितना है बच्चों, हाफ है, हाफ मल्टीप्लाई x की जगह कितना है 3x, राइट। अगले वाले को भी आई कैन राइट इन द सेम वे 1-, आपका कितना है 1/2 into 3x, राइट। एंड नाउ दिस इज डिवाइड बाय साइन x एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से कि 1+3/2x माइनस 1+3/2x अपॉन में साइन x, ठीक है, एंड 3/2,
ओके तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 विल बी 3x अपॉन में साइन x. एंड इफ यू सी तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड दिस x अपॉन साइन x वुड बी 1, वी ऑल नो x अपॉन साइन x या साइन x अपॉन x वुड बी 1, तो आंसर विल बी 3 ओनली. आई कैन से आंसर इज 3 ओनली. इज इट क्लियर? चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, the next question is limit x tends to pi by 3 sin pi by 3 minus x upon में 2 cos x minus 1. ठीक है, तो ये हमारा question है. See, I have told in the very beginning कि हमारे पास LH rule होता है, that is the king of limit. ठीक है, तो हम यहाँ पर, मैं आपको LH rule ही एक बार explain करने जा रही हूँ इस question के through. ठीक है, तो LH rule क्या कहता है? LH rule कहता है कि चलो अगर आपसे आंसर नहीं निकल रहा तो एक काम करो, अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो चीजें दी हुई हैं तो ही मेरा फॉर्मूला यूज करना. ठीक है, और क्या फॉर्मूला यूज करना है कि अगर इस तरह से कोई फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, तो आप एक काम करो, अगर आपके यहाँ से आंसर 0/0 या फिर ∞/∞ आ रहा है तो आप इसे इस तरह से लिख दो कि आप ऊपर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन लिख दो और नीचे वाले का भी डिफ्रेंसिएशन लिख दो और फिर वैल्यू पुट करो, और फिर भी अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा तो आप दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दो, और अगर आपका फिर भी आंसर नहीं निकल रहा तो दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर दो, और तब तक डिफ्रेंसिएशन करो जब तक आंसर ना निकल जाए. ठीक है, ये हमारा LH रूल कहता है. तो अगर मैं इस रूल के हिसाब से देखूं तो मेरा यहाँ पर अगर मैं पाई बाय 3 रखती हूँ बच्चों तो दिस वुड बी 0, एंड यहाँ पे पाई बाय 3 रखोगे तो ये 1-1, दिस वुड बी ऑल्सो 0. नाउ आई कैन यूज द LH रूल और मैं इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो वॉट वुड आई गेट? कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स अपॉन में माइनस 2 साइन एक्स, राइट? एंड नाउ आई कैन पुट द लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 3, राइट? अब मैं अगर पाई बाय 3 रखूँ तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, एंड यहाँ पर अगर मैं साइन पाई बाय 3 रखूँ तो साइन पाई बाय 3 जो है आपका वो कितना होता है? रूट 3/2. एंड यू कैन डायरेक्टली से कि यहाँ से आपका आंसर वुड बी रूट 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/√3. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, ये हमारा माइनस भी आएगा. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द लास्ट ट्रिक ऑफ आर वीडियो, सो लेट्स फोकस ऑन दिस. लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स रेस टू पावर 1/x. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वॉट कैन आई डू? अभी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं किए, हमने 10x का फॉर्मूला पढ़ा है, पर आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला, दैट इज अगर आपको कहीं भी ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज e. अगर आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1/x रेज टू पावर x, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज एज e. अगर आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/fx रेज टू पावर gx, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर fx मल्टीप्लाई बाय gx, राइट? और अगर आपको इस तरह से ना देके अगर इस तरह दे दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 दिस इज fx रेज टू पावर gx, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? तो यू कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर fx माइनस 1 इंटू gx. ठीक है, तो इन चारों में से व्हाट आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. ठीक है, फोर्थ वन आई एम गोइंग टू यूज. यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स एंड दिस इज द फंक्शन जी एक्स. मैं इन दोनों फंक्शन से यूज करूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ. नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. सी हाउ मैं लिख सकती हूँ इसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स की जगह कितना है हमारे पास? 1/x, राइट? तो अगर आप देखें इसे ध्यान से तो पाई बाय 4 प्लस एक्स है, तो मैं इसको पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 एक्स लिख सकती हूँ, पाई बाय 2
प्लस पाई बाय 2x लिख सकते हैं एंड देन इट विल बिकम 10x अपॉन x, राइट? 10x अपॉन x. तो ऑब्वियसली इफ यू सॉल्व दिस तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट e raised to power 2 एज अ आंसर. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. e raised to power 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आई हैव डिस्कस 16 क्वेश्चंस विद 16 ट्रिक. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड नाउ द चिल्ड्रन विल बिकम लाइक दिस. ओके, सो यू हैव क्लियर द, आई हैव क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट लिमिट्स. लिमिट्स में आपको जिस भी तरह के डाउट हैं, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द बुक ओनली. ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किए हैं, यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट बाई यूजिंग, बाय प्रिपेयरिंग, बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ बुक. तो बुक को खरीदें और उस बुक से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें. आई थिंक कि आपका लिमिट एकदम क्लियर हो गया होगा. जिस बच्चे का लिमिट एकदम क्लियर होगा, प्लीज़ राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. जय हिंद. आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं. रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें. विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com.